मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 11:20। हम 11 बजे के आसपास उठ गए थे और क्या बोले यार, रात को वीडियो एडिट करके अपलोड करके सोते सोते काफ़ी देर हो गई है। और ये वो वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स उनके ऊपर नज़र तक नहीं मार रहे हैं। कोई बात, छत पे आ गए हैं। प्रॉब्लम ये था यार, कल आई वाज सपोज्ड टू वाटर द प्लांट्स, लेकिन दशरथ आ चुके थे वापस, उनका फ़ोन आया, ही सेड आई विल कम डाउन, मैं आके चर्निंग कर दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, तो मैंने प्लांट्स में पानी नहीं डाला था। फिर मैं चला गया था मार्केट। अब हुआ ये, मैं मार्केट से वापस आया, दशरथ ने अपना काम नहीं किया, लेकिन मेरे को पिक्चर देखने जा रहा था तो मैं भाग गया। अब वापस आके रात को फर्स्ट फ्लोर वाले प्लांट से पानी डाल दिया मैंने। छत की बेलों पर भी फ़िलहाल पानी डालने आया हूँ, क्योंकि गर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन प्लांट्स को कर रही है ना, उसमें पानी डालने का भी फ़िलहाल पॉइंट है। दशरथ भाई आएंगे, प्लांट्स को चर्न कर देंगे, फिर बाद में हम देखते हैं हमें क्या करना है। यार गर्मी है यार, मेरी पूरी ट्राई थी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन रात को सोया ही मैं इतना लेट हूँ कि सुबह जल्दी उठना तो स्कोप में ही नहीं था। क्या बोले यार, ये इन काम फ़िलहाल निपटा लेते हैं, अभी नाश्ता पानी सब बाकी है। सीधा ब्रश किया हूँ, पशुओं के ऊपर ही आ गया। डाल दिया है हिम्मत करके। गाड़ी हो रही है फुल ऑन गंदी, उसका रीज़न ये है कि ये कल भी साफ़ नहीं हुई थी, आज भी साफ़ नहीं हुई है, और कल रात को बारिश भी पड़ गई। क्या बोले यार, काली गाड़ी गंदी अच्छी नहीं लगती ना। हमारी निकल चुकी है शर्मा रिसोर्ट के लिए, ये संडे है, वो भी पोस्ट लंच शॉप क्लोज कर देते हैं, एंड फिर बाद में दूसरे सेकेंड हाफ में हम लोग को सामान लेने जा नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली बात है। सो वी आर गोइंग टू गेट डेली सप्लाईज, एंड भैया कपड़े धोने थे आज भी रह गए। क्या बोले, दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट यार, सारे प्लान जो होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। बोलो घर के कपड़े ख़त्म, ऐसी नौबत आ गई है यार। शीशा साफ करने का मन नहीं कर रहा है यार, वाइपर वाला पानी ख़त्म हो जाएगा, क्या करें। हे भगवान, इस वीक वो जो कारपेंटर वाला सीन हुआ था वो तो आप लोग को मैंने शेयर किया ही था, यू वोंट बिलीव इट। उसके बाद में मैं 2 से 3 और लोगों से बात कर चुका हूँ कि भैया कारपेंटर ढूँढो, मेरे घर में ये काम है, एक कारपेंटर ढूँढो, मेरे घर में वो काम है ना। भैया कारपेंटर नहीं मिलता गांधीधाम में, मतलब जिसमें एक तो मेरा दोस्त है जिसका खुद का फर्नीचर शॉप है, मतलब ही इज सेलिंग फर्नीचर, ही इज डीलिंग इन वुड, एंड येट ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड मी विद अ कारपेंटर। शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। सुबह मिसेस से बात हो गई है, बस ये वीक बाकी, 8th को शी विल बी लीविंग फ्रॉम दिल्ली, फिंगर्स क्रॉस 8th को निकल सके टाइमली, और 15 तारीख को बच्चे के स्कूल चालू हो रहे हैं। मैंने उसको बोला भैया टाइम से आ जाओ अच्छा रहेगा, यू आर चेकिंग फ्लाइट टिकट्स, बाय गॉड यार 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपया दिल्ली राजकोट, दिल्ली अहमदाबाद 6-7 थाउजेंड रुपीज़ एक बंदे का शॉर्ट नोटिस में। फ्लाइट का सिस्टम मुझे आज तक समझ नहीं आया, आपको जब टिकट चाहिए होगी कभी फ्लाइट की टिकट सस्ती नहीं मिलेगी, लेकिन व्हेन यू आर लाइक यू नो कहीं जाना नहीं है कुछ नहीं है ना, आप रैंडमली वो चेक करोगे कि भैया ऐसे ही देखते हैं फ़्लाइट की टिकट्स का क्या प्राइस चल रहा है, 2-2.5-3 हज़ार रुपये में तुम दिल्ली पहुँच जाओगे अहमदाबाद से। क्या चल रहा है दुनिया में, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। ठीक है भाई ले लेता हूँ। सामान ले लिया है, घर जा रहे हैं, घर जाके मम्मी को बोलेंगे या तो चाय और टोस्ट खिला दो या कुछ नाश्ता बना दो, क्योंकि तबीयत से लग रही है अब मुझे।
यार, भूख बड़ी लगती है यार। हमेशा से इच्छा थी इनकी कोई गाड़ी लेने की, जब वक्त आया गाड़ी लेने का तो कंपनी उड़ गई। फोर्ड गाड़ी अच्छी बनाते हैं नो डाउट, एंड इंडिया में उन्होंने अपना सर्विस स्ट्रीम भी बहुत इम्प्रूव कर दिया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पता नहीं क्यों वाइंड अप कर गए, एंड एक्चुअली मैं दिस वाज द टाइम फॉर देम टू मिंट मनी। उनकी एंडेवर का कोई कंपटीशन नहीं, उनकी इको स्पोर्ट का कोई कंपटीशन नहीं, दो गाड़ियां तो उनकी थी जिनका कोई कंपटीशन ही नहीं था। ब्रेज़ा जो है मारुति की गाड़ी, वो आज इतनी बिकती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न इको स्पोर्ट है। इको स्पोर्ट है इसी के लिए आज मैं एसयूवी 300 में बैठा हूँ और टाटा की जो नेक्स्ट वन है वो इतनी बिक रही है। इको स्पोर्ट वॉज द पायनियर इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि यार बाय द टाइम इंडियंस को सेफ्टी समझ में आया और बिल्ड क्वालिटी समझ में आया एंड परफॉर्मेंस समझ में आया, बहुत लेट हो गया। फोर्ड रैन इनटू लॉट ऑफ लॉसेस इन इंडिया, क्योंकि एंडेवर और इको स्पोर्ट के अलावा उन्हें कुछ बिक नहीं रहा था, एंड वी लॉस्ट अ जेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आज की तारीख में मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हर गाड़ी की होनी चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा यार। ट्रक वाले हैं, कहीं से भी उड़ा के चले जाते हैं। स्पीड ब्रेकर देखो, गड्ढे देखो रोड पे जहाँ देखो वहाँ, एंड टू टॉप इट ऑफ फॉर सम रीज़न इंडियंस जो हैं हम लोग सब उसमें आ गए। आई एम नॉट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग का जो ड्राइविंग हैबिट्स है बद से बदतर होती जा रही है दिन भर दिन, अलग ही तेज़ी में लोग, रादर देन अलाउिंग समबडी अस टू गो फर्स्ट, उनका यही है कि भाई हम ही पहले निकल जाए। फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है रोड पे, कौन ठुका कौन गिरा, अनिदाम शहर में कितनी बार हुआ है, डैड इज सिटिंग इन द कार ड्राइविंग, उसका कमर पर स्पीड थी, एसयूवी तब तक नहीं आई थी, किसी ने पीछे से दे मारी, किसी से साइड से दे मारी। सी इफ माई फादर इज कोलाइडिंग विद सम अदर व्हीकल समझ में आता है, टू व्हीलर है वो साइड में दे मार गया, पैसेंजर साइड है वहाँ पे, या कोई पीछे दे मार गया गाड़ी, ऐसा ही हो गया है। तो सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी की। बाकी जो लोग आज भी गाड़ियाँ ले रहे हैं ये सोच के कि भैया रीसेल वैल्यू मिल जाएगी या फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिल रही है, बस आप लोग को सलाम सलाम। हाउसफुल 4 आ रही है, मतलब फुल टाइम पास, फुल टाइम पास, बिना सर पैर का टाइम पास चल रहा है। भाई 8 बजने को आ गए हैं, पूरी दोपहर आराम किया है, सोए नहीं है, कमर सीधी करी या रिलैक्स किया, गाने सुने, वीडियोस देखे, थोड़ी देर ऐसे ही आराम कर रहे थे। भैया संडे है, क्या करते हैं, कहीं जाने का कोई पॉइंट नहीं था, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आज कुछ प्लान में था भी नहीं वैसे भी। अब देखते हैं कल की प्लानिंग करते हैं, एक बार फैमिली से बात करते हैं, पता करते हैं दिल्ली में क्या सीन बैठ रहा है, उसके बाद मंडे से रिलेटेड जो भी तैयारी करनी वो करते हैं। फिर ऐसा ही वैसा ही फिर भी फाइल होगी क्या? भाई लोग टाइम हो रहा है 9:30, नाना धाना हो गया है, पूजा पाठ कर ली है, डिनर का टाइम, मस्त दाल चावल बनाए डिनर में मम्मी ने, खाते हैं और मौज काटते हैं। टाइम हो रहा है रात के 11:30, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का खाना पीना हो गया हो। भाई कल वाली वीडियो अभी एडिट करके मैं फ्री हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 18 मिनट की वीडियो बनी है जिसमें मैं जितना छाट सकता था छाट दिया। उम्मीद करता हूँ कल वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, जो आने वाले कल के 9:33 पर मैं अपलोड कर दूँगा आप लोगों के लिए। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मुझे बहुत पसंद आई, फ्रैंकली स्पीकिंग मन तो कर रहा है और एक बार देखने जाऊं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, कंपनी चाहिए, अकेले जाके थिएटर में बैठेंगे ना, वैसे ही खाली खाली सा थिएटर है और लोग समझेंगे नमूने हो क्या, इतनी बड़ी उम्र हो गई है और पिक्चर देखने आ रहे हो, वो भी ऐसी।
कल मंडे है 5 तारीख एंड कल के दिन से वर्क से रिलेटेड फॉलो अप लेना चालू करेंगे क्लाइंट लोगों से, जिन जिन को कोटेशंस दे के रखे हैं, रेट्स दे के रखे हैं, उनसे पूछेंगे न्यू बिजनेस का क्या सीन है, पेमेंट्स निकलवाएंगे क्लाइंट से एंड चलो हार्डवर्क चालू करते हैं बिकॉज बहुत बैठ लिया, बहुत मस्ती मार ली, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। इट्स हाई टाइम वी शुड शिफ्ट गियर। 6th मंथ चालू हो गया है एंड क्या बोलूँ, जो मेरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए थी फॉर दिस ईयर, हम लोग इसकी 50% भी नहीं पहुँचे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रॉमिसिंग। हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन, दैट इज़ वॉट इज़ कीपिंग अस गोइंग, आवर ब्रांड गोइंग। उसमें हम लोग लैग नहीं कर सकते, उसमें हम शॉर्टकट नहीं मार सकते। और ये आ रहे हैं हमारे कालू, जनाब कालू आ रहे हैं। लोग इतने रेसिस्ट हैं, इन बेचारे को ब्लैक डॉग बोलते हैं इंग्लिश में, जबकि उनके डॉग भी ब्लैक ही हैं, है ना कालू? मुझसे पूछना मत कौन है वो रेसिस्ट लोग, मैं बता दूंगा, सच्ची बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक रेसिस्ट पीपल। संडे था, जैसा भी रहा आपसे शेयर किया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, नहीं भी आया होगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यार संडे या तो मैं कपड़े धोता रहता हूँ या मैं आराम कर लेता हूँ, इसी तरह कुछ ना कुछ ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि क्या है डेली लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि काम तो अपनी जगह है ही है बट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली है, फिलहाल फैमिली भले छुट्टी पर गई हुई है, सो लाइफस्टाइल थोड़ी हेक्टिक ही चल रही है। डेली ब्लॉगिंग चालू इसी के लिए किया था बिकॉज लाइफस्टाइल हेक्टिक हो गई थी, ब्रेक नहीं मिल रहा था, ये थोड़ी रूटीन वाली हो गई थी, लाइक मोनोटोनस हो गई थी, सो मज़ा नहीं आ रहा था, इसी के लिए ब्लॉगिंग चालू कर दिया, ताकि थोड़ा सा है ना लाइक अपना फ्रस्ट्रेशन हो गया या अपने इरिटेशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। चलो यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर, राइट? एनीवेज गाइस, दिस इज गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू एंजॉय द गेट, आई विल सी यू टुमॉरो, बाय बाय। और हाँ, हमारा जो असाइनमेंट था उस रिलेटेड वीडियो मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पर डाल दी है, जाइए उस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर मेंशन किया हुआ है।